हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और आज संडे भी है, तो मैं आज लेट से ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो आज छठ पूजा भी है, तो शाम को ना हम लोग प्लान किए हैं छठ पूजा देखने जाएंगे। यहीं पे RPF का कैंप के अंदर में एक तालाब है और मंदिर भी है, शिव मंदिर, तो वहाँ पर ही होता है हर साल, तो हम लोग भी जाएँगे। तो आज संडे स्पेशल कुछ नहीं है फ्रेंड्स। सुबह सुबह मैं रोटी ही बना रही हूँ, रोटी और सब्जी मतलब भुजिया बनाई हूँ, आलू बरबट्टी और सेम का भुजिया बनाई हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैं रोटी ही सिंपल सा बना रही हूँ, क्योंकि आज ना वैसे ऑयली ऑयली कुछ खाने का मन नहीं किया, सिंपल सा कुछ मन हुआ था इसलिए। और मैं आज थोड़ा सा नहा धो ली हूँ और लेट से आज बना रही हूँ, संडे था तो इसीलिए थोड़ा लेट में ही बना रही हूँ। और बच्चे लोग को तो आज पसंद नहीं आएगा, ये सब पता है आप लोग को, संडे में ना उन लोग कुछ स्पेशल ही खोजते हैं। लेकिन मैंने कभी कभी अगर उसका पहले दिन कुछ ऑयली ऑयली हम लोग खाए होंगे, तो दूसरा दिन ना तो सिंपल सा कुछ बनाने के लिए ना ट्राई करती हूँ, क्योंकि हर दिन ऑयली ऑयली खा के ना अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। और मेरा तो 17 तारीख से कॉलेज स्टार्ट हो गया है, अभी 1 महीना का छुट्टी था, तो वो भी ब्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगी। तो आज देखिए इस तरह से मेरा ब्रेकफास्ट बनाना हो गया, बना के हम लोग खा भी लिए हैं। और उसके बाद फिर दोबारा से मैं किचन आ गई हूँ, तो किचन में ही मेरा मतलब घर में जब रहती हूँ ना, किचन में ही मेरा बहुत टाइम चला जाता है। तो यहाँ पे फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा देर पेपर वगैरह पढ़े, बच्चे लोग थोड़ा सा पढ़ाई किए, और मैं जैसे कि टाइम हो जाता है 11:30, तब मैं लंच बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि लगता है टाइम धीरे धीरे बनने में। तो आज ना मैं सिंपल सा ही मेरे लिए बना रही हूँ, मतलब मैं अभी कार्तिक महीना चल रहा था तो मैं नॉनवेज नहीं खा रही हूँ, तो आज मैं अपने लिए दाल बना रही हूँ और चावल और आलू भुजिया बनाऊंगी। और मेरे हस्बैंड लाए हैं मछली, तो उन लोग के लिए मैं मछली बना दूंगी, तो उन लोग मछली खाएंगे। तो पहले मैं अपना सब्जी बना लेती हूँ और उसके बाद उन लोग का मैं सब्जी बना दूंगी, तो फटाफट से ये सब बना दूंगी। फिर शाम को ना अभी जाएंगे छठ पूजा देखने, तो आप लोग को भी मैं दिखाऊँगी खड़गपुर का छठ पूजा कैसे होता है। तो चलिए मेरा फटाफट लंच बन जाएगा, उसके बाद मैं आप लोग से बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है, अभी 4 बज रहा है और हम लोग आए हैं यहाँ पे छठ पूजा देखने। तो मैं आई हूँ, मेरे दोनों बेटी तो और दोनों पड़ोसी आए हैं मेरे वाटर की। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये है एयरफोर्स कैंप खड़गपुर का, जो RPF लोग रहते हैं ना जहाँ पे, वहाँ के अंदर का ये है तालाब और मंदिर। और ये इसी तालाब में ही ना छठ पूजा होता है, तो इस साल भी यहीं पे ही हो रहा है, देख सकते हैं। और मुझे ना इस साल थोड़ा सा कम मतलब लोग नज़र आए, शायद आज वर्ल्ड कप है इसीलिए थोड़ा कम लोग आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अभी मैच देखने में बिजी है, तो बहुत ही कम आए हैं, तो इसीलिए शायद कम लोग मुझे लग रहा है, नहीं तो हर साल ना बहुत ही भीड़ होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इन लोग जो जो सूर्य भगवान को चढ़ाएंगे ना, वही सब यहाँ पे सुप्ति में, या सूप जो भी बोल सकते हैं आप लोग, हम लोग कूला बोलते हैं, उसमें पकड़े हैं। और यहाँ पे देखिए, आप लोग को थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, एक औरत खड़ी है पानी के अंदर में और वहाँ पर 3 जेंट्स खड़े हैं, तो उन लोग ना उपास किए हैं और उन लोग ही भगवान को सब सुप्ति में चढ़ाएंगे। तो बहुत देर से इन लोग खड़े हैं, तो वहीं पे एक पर डुबकी लगा के ना फिर इस तरह से पूजा करना होता है। और सारे जितना भी घर का सदस्य है, मतलब अपना वंश में हो या कोई भी, तो साथ में फिर सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। तो आज ये शाम की पूजा है, फिर जो मंडे को सुबह वो उगते सूरज को पूजा करेंगे। तो इस तरह से ही छठ पूजा होता है। और बहुत सारा चीज़ जैसे केला, नारियल, मूली, अदरक, एक बहुत सारा चीज़ चढ़ाया जाता है। तो देखिए अभी उनका फैमिली लोग सब अर्घ दे रहे हैं सूर्य भगवान को, तो इस तरह से ही छठ पूजा होता है।
आप लोग बताइए आप लोग कहाँ का छठ पूजा एंजॉय किए। तो खड़गपुर का छठ पूजा कुछ ऐसे ही था। तो कल सुबह मैं आ पाऊँगी या नहीं आ पाऊँगी नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि सुबह मेरे हस्बैंड का ऑफिस भी है, तो उन लोग के लिए लंच भी सॉरी ब्रेकफास्ट भी बनाना पड़ेगा। तो पता नहीं नहीं आ पाऊँगी शायद। तो बस आप लोग को आज का छठ पूजा ब्लॉग कैसे लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है रेड कलर का उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब मैं इस तरह सा न्यू ब्लॉग अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप लोग उसको एंजॉय कर सकें। तो चलिए आज के लिए आप सभी को बाय।